अगला सवाल दिल्ली से है, वो भी एक अपराध भाव में जी रहे हैं, तो वो आपकी राय जानना चाहते हैं इसमें। उन्होंने कहा है कि प्रणाम आचार्य जी, मुझमें अपराध भाव बढ़ता जा रहा है, मैं शादी नहीं करना चाहता। जो भी मेहमान घर पर आते हैं वह कहते हैं कि शादी की खुशखबरी कब? सबके अनुसार शादी और बच्चे होने के बाद मेरी माँ की तबीयत सही हो जाएगी और जीवन लंबा हो जाएगा। शादी मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता और यह लगता भी है कि अगर मेरी माँ बच्चों के बीच रहेगी तो शायद उनका समय अच्छा बीतेगा और तबीयत बेहतर हो जाएगी। इस द्वंद के कारण मेरा अंतःकरण बिल्कुल टूटा हुआ रहता है और कोई प्रगति जीवन में दिखाई नहीं देती। प्रेम की बात जो अध्यात्म में की जाती है वो मैंने अभी तक जाना नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि बिना उसके कोई भी संबंध कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं चल सकता। तो जानना चाहते हैं कि क्या करें। माँ को किसी प्ले स्कूल में नौकरी दिलाओ बेटा, वहां बच्चे ही बच्चे मिलेंगे। तुम तो बहुत लंबा रास्ता अख्तियार कर रहे हो, शादी करोगे फिर आजकल पता नहीं महिलाओं की फर्टिलिटी कम होती जा रही है, पुरुषों की वायरलिटी कम होती जा रही है, बच्चा भी हो ना हो, हो तो कितने सालों में हो, उतने दिन तक माँ का क्या भरोसा। तुरंत वाला काम करो, कल ही से सुबह ले जा करके माँ को किसी प्ले स्कूल में छोड़ आया करो। तुम्हारा ही कहना है बच्चों के बीच रहेंगी तो स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई, किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये क्या बात है। असली काम उत्तेजना बढ़ी हुई है, बीवी चाहिए, क्यों इधर उधर की बात करते हो कि मेहमान आके दबाव बनाते हैं कि शादी कर लो। यही मेहमान आके कहेंगे जहर खा लो, खा लेते हो। मेहमानों के कहने से अभी काम तुम वही करते हो जो तुम्हें करना है। सीधे कहो कि तुम्हें करना है तो कर डालो, कौन मना कर रहा है, सब शादी करते हैं तुम भी कर डालो, बातें क्यों बना रहे हो। मां को बच्चे चाहिए और बच्चे ना हो तो हो ही जाते हैं। अपनी जांच पड़ताल कराई है, बड़ी समस्या है दुनिया में, आबो हवा ऐसी हो गई है, जलवायु ऐसी है, खाना पीना ऐसा है, स्पर्म काउंट गिरता ही जा रहा है। और जिन देवी जी से शादी करोगे तुम्हें पक्का है कि वो बच्चों में उत्सुक ही होंगी। आज की लड़कियां पहले वाली तो है नहीं कि तुमने गाय बना दिया और वो बन गई, हस्बैंड बन के तुमने बैंड बजा दिया और बछड़ा पैदा हो गया। ये चल क्या रहा है कि माँ को बच्चे मिलेंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा इसीलिए मैं शादी करूंगा, फिर एक स्त्री को गर्भ दूंगा, फिर वो संतान पैदा करेगी, वो संतान माँ के पास दूंगा। एक संतान से माँ के स्वास्थ्य में इतना लाभ होता है तो बहुत सारे बच्चे होने चाहिए। मैंने कहा प्ले स्कूल या फिर किसी अनाथाश्रम इत्यादि में माँ जाए, सेवा वगैरह करें। सेवा करने से बड़ा लाभ मिलता है, स्वास्थ्य लाभ भी मिलता होगा। कैसी जिंदगी कि मेहमान आकर के तुमको डिगा जाते हैं, कपा जाते हैं, हिलडुल जाते हो। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर अभी तक सुन रहे हो तो संभावना यह भी है कि मेरी बात तुम्हें ऐसी लठ जैसी लगी होगी, तुमने सुनना ही अब तक बंद कर दिया हो, पर अगर अभी सुन रहे हो तो सुनो। अगर तुम ऐसे हो, इनकी उम्र क्या हो, 36 वरिष्ठ है भाई आप, मुझे लगा मैं किसी 22-24 वाले से बात कर रहा हूं, 36 में भी ये बातें कर रहे हो, 36 के हो गए और बातें ये हैं कि मेहमान आकर के छेड़ जाते हैं, गेस्ट मोलेस्टेशन। अगर जीवन ऐसा है
कि जिसमें मेहमान आते हैं और इस तरह की बात करते हैं तो जीवन ही ठीक नहीं है बेटा। नहीं बेटा क्या, इतना बुढ़ा थोड़ी हूं मैं, आप तो हम उम्र हुए हमारे। कैसे हो पाता है ये तो गुड्डे गुड़ियों के साथ होता है, ये तो किशोरों के साथ होता है कि मेहमान आते हैं और कहते हैं अब की बोर्ड में कितने ला रहे हो। देखो पप्पू भैया के 92 आए थे, तुम्हारे 93 आने चाहिए कम से कम। ये किशोर है अभी, इसकी दाढ़ी मूछ आई नहीं है। निकेतन कहाँ गया, दाढ़ी मूछ से याद आया, कहाँ है, तुम्हारे भी नहीं आई है। वो बिल्कुल दबाव में आ गया, अब बोर्ड आ रहे हैं, बताया गया कि पप्पू भैया के 92 आए थे, बिल्कुल प्रेशर में आ चुका है कि 93 तो लाने ही है, नहीं अखबार में छप जाएगा। पूरे कुनबे की इज्जत डूब जाएगी। मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं यहीं पे अटक गया। मेहमान आकर बोल जाते हैं ये सब, होते कौन है मेहमान ये सब बोलने वाले। और आप कैसे हैं कि आपने इस कोटि के मेहमान आमंत्रित कर रखे हैं, ऐसे मेहमानों को घर में घुसने क्यों दे रहे हो। पर फिर संभावना यह है कि शायद तुम अपने घर में रहते भी नहीं हो, घर भी पूछता नहीं है, तो घर में कौन घुसेगा कौन नहीं घुसेगा इस पर भी तुम्हारा कोई हक तो है नहीं। तो कोई भी घुसता है तुम्हें छेड़ के चला जाता है। आप शादी करें ना करें वो आपका निजी मसला है, पर मेहमानों के कहने से करेंगे या नहीं करेंगे तो ये बात बड़ी शर्मिंदगी की है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा मत करिए शादी, कर लीजिए ठीक है। इसलिए शादी करेंगे कि बच्चा पैदा करूंगा, मां को खिलौना दूंगा, तो ये बात बड़ी नासमझी की है। हां शादी से बच्चा पैदा यूं ही करना हो तो कर लो, क्या है, इतने लोग शादी कर रहे हैं बच्चा पैदा कर चुके। और जो बच्चे खेल खिलौने मांगते हैं अक्सर उनका मन एक खिलौने से भरता नहीं है। मां भी अगर इतनी बच्ची हैं कि उनको खिलौने की तरह बच्चा चाहिए तो ये पक्का समझ लो कि एक खिलौने पर वो रुकने नहीं वाली। वो कहेंगी खिलौनू आ गया, अब खिलौनी चाहिए। या बड़ा खिलौनू आ गया है उसमें ऊ की मात्रा है, अब छोटा खिलौनू चाहिए ऊ की मात्रा वाला। खिलौनू अकेला है और बड़े तर्क आते हैं कि तुम दोनों तो अपने अपने काम में व्यस्त हो जाओगे, फिर ये बेचारा अकेला रह जाएगा ना, अब तुम फंसोगे, कहोगे अभी तक माँ के अकेलेपन का सवाल था, अब खिलौनू भी अकेला हो गया है तो उसको खिलौनी ला के देनी है। बच्चे इतने ही अगर पसंद हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं ठीक, तो गोद क्यों नहीं ले लेते भाई। तुम जैसे लोग नीरज अगर बच्चे गोद लेने को तैयार हो जाएं तो भारत में भ्रूण हत्या रुक जाए। इतनी औरतें अपनी बच्चियों को मार देती हैं, अगर लोग तैयार हो जाएं बच्चियों को गोद लेने को तो कम से कम मारने की जरूरत ना हो। वो कहें कि मारें इससे अच्छा किसी को दे ही आते हैं। लड़कियां मारी सिर्फ इसलिए नहीं जाती कि उनके मां बाप को वो स्वीकार नहीं है, लड़कियां मारी इसलिए जाती हैं क्योंकि वो समाज को ही स्वीकार नहीं है।
वो लड़की, वो बच्ची, वो अजन्मी बच्ची या वो सद्यजात बच्ची अपने ही घर में अस्वीकार्य नहीं थी, वो शहर के हर घर में अस्वीकार्य थी, इसलिए उसकी हत्या हुई। अगर कुछ घर होते ऐसे जो उसे अपना लेते तो उसकी हत्या नहीं होती ना। दो बच्चियां गोद ले लो, भारत कहने को उन्नत और आधुनिक हो गया है पर छोटी लड़कियों की अभी बड़ी दुर्दशा है, खासतौर पर निचले तबकों में जहां शिक्षा बहुत है, जहां आय कम है। लेकिन अगर मेहमानों की सुनोगे तो गोद कभी नहीं ले पाओगे क्योंकि बात समझना, मेहमानों को इस बात से मतलब ही नहीं है कि तुम्हारे बच्चा हो रहा है या नहीं, उनका असली प्रयोजन ये है कि तुम फंसो। गोद ले लोगे तो फंसे नहीं ना, तो मेहमान निराश हो जाएंगे। अभी वो तुमसे ये कह रहे हैं कि शादी कर लो ताकि घर में बच्चे हों, ताकि माँ का दिल लगा रहे और माँ की तबीयत ठीक रहे, पर तुम वही बच्चे गोद ले आ लो तो मेहमान निराश हो जाएंगे। फिर तुम पूछना कि आप निराश क्यों हो रहे हैं, आप बड़ा लंबा रास्ता बता रहे थे, मैं शॉर्टकट से बच्चे ले आया। वो निराश हो जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं बच्चे ये वाले नहीं। तो पूछना कौन से वाले, वो कहेंगे नहीं वो वाले, वो वाले। अरे कौन से वाले, नहीं वो जो वैसे होते हैं। नहीं तुम्हें वैसे वैसे से क्या मतलब है, सब बच्चे एक ही तरीके से होते हैं, ना आसमान से गिरते हैं ना पेड़ों पे लगते हैं। फिर वो तुम्हें बताएंगे नहीं अपना खून होना चाहिए। पहली बात तो ये अशिक्षित है ना, ये भी नहीं पता कि खून से नहीं वीर्य से होता है, जाने इनका खून ही निकल आया था इतना कि सोचते हैं कि बच्चा खून निकलने से पैदा हुआ था। ये कुछ मुहावरे भी हमारी जहालत को दर्शाते हैं, अपना खून, अपना खून माने क्या, बोलो अपना वीर्य अपना अंडा, पर वो बोलोगे नहीं क्योंकि वो बात नंगी है, सच्चाई को बिल्कुल बेपर्दा कर देती है, दिखा देती है कि तुम सत्यवादी नहीं वीर्यवादी हो। तो फिर कहेंगे नहीं 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 बच्चा गोद नहीं लेना चाहिए, अपना खून होना चाहिए। अपना पराया क्या खून होता है, कभी बीमार हुए हो, कभी खून चढ़ा है तुमको, जो तुम्हारे ब्लड ग्रुप से मैच कर जाए वही तुम्हारा खून है, अपना पराया क्या होता है भाई। और तुम्हारे ही बेटे का खून तुमको नहीं चढ़ाया जा सकता अगर तुम बी पॉजिटिव हो और वो नहीं है, अपना खून अपना खून। तुम्हारे ही बेटे का खून तुमको नहीं चढ़ाया जा सकता, अधिकांश मामलों में यही होता है, अपना खून कैसा। पर अपने खून का नारा लगा लगा के जितनी गंदगी हो सकती है सब करी जाती है। मैंने कड़वी बातें बोली हैं अभी, मेरा ध्येय ये नहीं है कि तुम्हें किसी एक निर्णय की तरफ ही प्रेरित करूं, मुझे बस आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि ये माहौल ठीक नहीं है, अपनी जो हालत बना रखी है आपने वो हालत ठीक नहीं है।
सच से बहुत दूर हो, इसीलिए माया के जितने एजेंट हैं तुम पर हावी हो रहे हैं। हालत तुमने यही बनाई रखी तो चाहे तुम शादी करो चाहे नहीं करो, परेशान ही रहोगे, तड़पते ही रहोगे। अपनी हालत को बदलो। घर पर उनको मेहमान करो जिनके आने से घर में उजाला हो। अंधेरे के गुर्गों को क्यों घुसने देते हो घर में? घर में जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा। आज कहा गया था कि जितने भी लोग हैं जो कभी भी मुझसे संपर्क रहे अपने सवाल भेज सकते हैं, उसमें ये तो नहीं कहा गया था ना कि वो यहाँ बोधस्थल आकर के रूबरू होके प्रश्न नहीं पूछ सकते। कहाँ के रहने वाले हैं ये? दिल्ली के ही हो तो यहीं आ जाया करो भाई, ना बहुत वक्त लगेगा ना रुपया पैसा, सामने ही बैठ जाया करो। उन मेहमानों से बचने के लिए यहां मेहमान हो जाया करो, हम आतिथ्य में कोई कमी नहीं रखेंगे। हो सके तो मां को भी साथ लाना। छोटे छोटे खरगोश हमारे पास बहुत हैं।